अब डाउटनट ऐप पर मिलेगा क्लास 6 से 12 का सारा प्रश्नों का उत्तर मात्र 3 सेकंड में। कोई भी प्रश्न को अच्छा से क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद उसका आंसर आपको 3 सेकंड में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप प्रश्नों का हल मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। VKSU के जो भी परीक्षार्थी हैं और बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि मेरा कॉलेज को नज़दीकी कॉलेज से टैग कर दिया गया है, तो हमारा परीक्षा फीस जो जमा होना है 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, वो कहाँ होगा? पुराने कॉलेज में होगा या न्यू टैग कॉलेज में होगा? तो हम लोगों ने आपको बताया था कि जो आपका कॉलेज को टैग किया गया है जिस भी कॉलेज से, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनका मान लीजिए BA में मान्यता है, BSc में मान्यता नहीं है, तो उन कॉलेज का BA का तो वहाँ जमा हो जाएगा, लेकिन BSc का जो कॉलेज से टैग किया गया है इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो आ गया है, अगर आप नहीं जानते हैं कि कौन कौन कॉलेज को नज़दीकी कॉलेज से टैग किया गया है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपका भी कॉलेज जो होगा तो आप न्यू टैग कॉलेज से ही आपका परीक्षा होगा और परीक्षा फॉर्म भी भराएगा। बहुत बड़ी अपडेट, आपका जो पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म का फीस जमा होगा 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, वो आपका न्यू टैग कॉलेज में ही होगा, पुराने कॉलेज से आपका कुछ भी काम नहीं होगा। आप यहां पे देख सकते हैं, टैगिंग वाले कॉलेज में ही जमा करना होगा परीक्षा शुल्क। पार्ट 2 की प्रायोगिक परीक्षा के बाद स्नातक पार्ट 1 परीक्षा का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर लतिका वर्मा ने बताया कि स्नातक पार्ट 1 सत्र 2018-21 में भी 4 दर्जन से अधिक कॉलेजों को टैग किया गया है। टैग के बाद विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अपने टैगिंग वाले कॉलेज में ही परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो कॉलेज टैग है वहीं पे आप लोग अपना परीक्षा शुल्क जमा कीजिएगा। मालूम हो कि विद्यार्थी अभी भी अपने पुराने कॉलेज में ही परीक्षा शुल्क जमा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कल बोल रहे थे, वीडियो आया था कि इतना फीस लग रहा है, उस पर एक वीडियो प्रोवाइड हम लोग कराए थे तो उस पर बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हुए थे और पूछ रहे थे कि सर मेरे कॉलेज में तो फीस जमा हो रहा है, 1500 रुपया का लोग मांग कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, पुराने कॉलेज जिनका मान्यता रद्द कर दिया गया है, वो लोग पैसा वसूली कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पैसा नहीं जमा करना है। देख लिए आप, विश्वविद्यालय में जारी किया है नोटिस, ये कहीं से फेक आपको नोटिस नहीं है, विश्वविद्यालय में आज पेपर के आर्टिकल में जारी कर दिया है नोटिस कि आपको टैग कॉलेज में ही जाके फीस जमा करना है। देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि मालूम हो कि विद्यार्थी अभी भी अपने पुराने कॉलेज में ही परीक्षा शुल्क जमा कर रहे हैं। मालूम हो कि सत्र 2018-21 में 19 ऐसे संबंध कॉलेज हैं जिनका राज्य सरकार से संबंध नहीं है, जबकि 22 ऐसे कॉलेज हैं जिनका राज्य सरकार से संबंधन प्राप्त है लेकिन कुछ संकाय और विषय में मान्यता नहीं है। देखिए 19 कॉलेज तो पूरा मान्यता उसका एकदम खत्म हो गया है, लेकिन 22 ऐसा कॉलेज है जो आपको शुरू में बताएं वीडियो के स्टार्टिंग में कि मान लीजिए कोई कॉलेज ऐसा है जहां बीए में मान्यता है, बीएससी में मान्यता नहीं है, तो ऐसे 22 कॉलेज हैं। तो आप लोग ध्यान से उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से देख लीजिएगा। अगर आपका भी संकाय और आपका भी कॉलेज को टैग किया गया है तो सारा काम अब आपका न्यू टैग कॉलेज से ही होगा, कह सकते हैं आपका वही अब कॉलेज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, कॉलेज को नज़दीक के अंगीभूत कॉलेज में ही टैग कर दिया गया है। टैग के निर्णय से इन कॉलेज के स्नातक पार्ट 1 सत्र 2018-21 के विद्यार्थी अब अपने टैगिंग वाले कॉलेज से ही परीक्षा देंगे। देखिए यहाँ पर सब क्लियर कर दिया गया है, साथ ही स्नातक पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म भी अपने टैगिंग वाले कॉलेज से ही भरेंगे। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेज है जो अभी से ही अपना फीस वसूली कर रहे हैं, 1500-2000 ऐसे पैसा वसूली कर रहे हैं। तो आप लोग अवेयर रहिए, आपका पुराना कॉलेज में कुछ अब मतलब नहीं है, टैगिंग कॉलेज में ही आपका फीस जमा होगा। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका मान्यता रद्द कर दिया गया है, फिर भी वो लोग क्या किए हैं कि पार्ट 2 का एग्जाम ले लिए हैं, मतलब पार्ट 2 का प्रैक्टिकल एग्जाम, जबकि यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया था कि पार्ट 2 का प्रैक्टिकल एग्जाम टैगिंग कॉलेज में ही होगा। तो ऐसे कॉलेज को बहुत विद्यार्थी को दिक्कत होने वाला, क्योंकि उनका फिर से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, क्योंकि निर्देश तो जारी किया गया आपका टैगिंग कॉलेज में, वो लोग अपने मन से ले लिए, तो वहां पर अब बहुत अड़चने आ रही है। तो इसलिए आप लोग पहले से अवेयर रहिए कि आप लोग से गलती ना हो, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके कर दीजिए लाइक शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।